आज हम बात करेंगे एम जे पी आर यू बरेली का एक पेपर है, बी एड फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2019 में जो परीक्षा हुई थी उसका पेपर है, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का। तो ये जो पेपर होता है ये 40 मार्क्स का होता है और समय 3 घंटे होता है। तो इन्होंने लिखा है कि निर्देशानुसार सभी प्रश्नों के सभी खंडों के उत्तर दीजिए। इसमें सेक्शन ए यानी कि खंड ए दिया हुआ है, इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो इन्होंने कहा है कि इसमें किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दो, प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है। सेक्शन ए में किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, समाज सुधार आंदोलन में राजा राम मोहन राय की भूमिका का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, जाति व लिंग आधारित भेदभाव की रोकथाम के लिए संवैधानिक प्रावधानों की विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए, द रोल ऑफ टीचर इन सोशल चेंज। चौथा क्वेश्चन है, यौन उत्पीड़न से आप क्या समझते हैं, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को कैसे रोका जा सकता है। तो ये चार क्वेश्चन थे, चार में से आपको दो क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 10 अंकों का है। तो इस तरह से इस सेक्शन से आपको 20 अंक का होता है। अब सेक्शन बी की बात करते हैं, यहाँ किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। तो किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पांचवा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बालिका शिक्षा की स्थिति को स्पष्ट करो। छठा क्वेश्चन है, लैंगिक जागरूकता में मास मीडिया के साधनों की क्या भूमिका है। सातवां क्वेश्चन है, नारी सशक्तिकरण क्या है, नारी सशक्तिकरण में परिवार की क्या भूमिका होनी चाहिए। और आठवां क्वेश्चन है, नारीवाद से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट करो। नौवां क्वेश्चन है, जाति भेद से आप क्या समझते हैं, आर्थिक स्थिति और जाति भेद के बीच क्या संबंध है। दसवां क्वेश्चन है, स्वस्थ समाज के निर्माण में विद्यालय की भूमिका की चर्चा कीजिए। और इसी क्रम में आपका जो 11वां क्वेश्चन है वो है, समता एवं समानता का क्या अर्थ है भारतीय संविधान के संदर्भ में, इसको स्पष्ट कीजिए। और 12वां क्वेश्चन है, जीवन कौशल प्रशिक्षक के रूप में अध्यापक की क्या भूमिका है। तो यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 5 अंकों का है। तो ये सेक्शन आपका 20 अंकों का, और इसी तरह से सेक्शन बी भी ए भी आपका 20 अंक का, तो कुल मिलाकर 40 अंक हो गए। और आपको इसी तरह से करना है, सेक्शन ए से 2 क्वेश्चन, सेक्शन बी से 4 क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें अपने